नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने प्रदेश के सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा राज्य बने जहां किसानों को पूरा दाम मिले, नौजवानों को काम मिले तथा महिलाओं और कमजोर तबकों को सम्मान मिले। श्री कमलनाथ ने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रदेश की जनता के विश्वास और सहयोग से हम निश्चित ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने स्थित इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कमलनाथ ने उपस्थित लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धा निधि 7,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर सम्मान निधि 10,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के नगरीय निकायों में लगने वाले विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापनों का नियंत्रण मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के तहत करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ झाबुआ उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक श्री कांतिलाल भूरिया के मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने समारोह के बाद झाबुआ से आए सभी आगंतुकों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने लोह पुरुष और देश के प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंत्रालय के समक्ष सरदार पटेल उद्यान में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री कमलनाथ ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित 2 दिवसीय स्टीम कॉन्क्लेव 2019 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। डॉक्टर साधो ने गोंड शैली में निर्मित मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने आज पलाश होटल में आयोजित हाफ ईयरली मैनेजर्स मीट में पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को उत्कृष्टता पुरस्कार 2018-19 प्रदान किए। श्री बघेल ने बताया कि विगत 10 माह में जो पहचान बनाई है उसके लिए निगम के अधिकारी कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।